ट्रक ड्राइवर के लिए नितिन गडकरी साहब ने कितना बेहतर काम किया था, उनके लिए एसी किया, एसी केबिन वाला व्यवस्था कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एक बेहतर ढंग से और हम मैच्योरिटी दिखा सके। और कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन जब एक बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो नीचे लेवल पे उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, जिसका हालिया एग्जाम्पल आप देखेंगे रेलवे एएलपी में। आप रेलवे एएलपी में क्या हुआ कि जब भी वैकेंसी आती थी रेलवे में तो एक बड़ी संख्या में रोजगार देता था, रेलवे से लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था, और बच्चे जो थे इसके काफी समय से इंतजार कर रहे थे 5 सालों से। और 5 सालों में जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो महज 5696 वैकेंसी आई, यानी साल का देखेंगे तो 1100 वैकेंसी, एक साल में महज 1100 वैकेंसी आई है। और टेक्नीशियन का पोस्ट जब से रेलवे आया है तब से आता है, इस बार रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट को नहीं डाला गया। ऐसा कि रेलवे का ऐसे कहना है कि वो इसका टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से निकालेंगे। तो जो बच्चे कंफ्यूज है कि टेक्नीशियन का क्यों नहीं आया, तो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन अलग से दिया जाएगा। और एएलपी का जो मेन कंसर्न है कि सीट इतना कम क्यों है, तो ये है, देखिए देश में सबको लग रहा था कि एएलपी और टेक्नीशियन मिला के कम से कम 50 से 60 हज़ार वैकेंसी रहती, और अगर नॉन टेक्नीशियन को मिला देंगे तो जैसे पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, सब लोग इसी बार ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। 2019 के बाद एक ही बार वैकेंसी आ रही है 2024 में, यानी 5 साल का डिफरेंस। अब ये बताइए, अगर कोई विद्यार्थी उस समय 25 साल का था, उसको लगा कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो वो 26 साल का होगा, फिर अगले साल आएगी तो 27 साल का होगा, बट अचानक वैकेंसी आ रही है 5 साल के बाद, अब वो विद्यार्थी 30 साल का हो गया। यानी अगर किसी विद्यार्थी का 25 साल में एग्जाम नहीं हुआ तो अगली बार वो एग्जाम ही नहीं बैठ पाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, अगर हर साल 1100 ही वैकेंसी देनी थी तो हर साल देते हैं यहां पर। और दूसरा क्या है, विद्यार्थियों का कहना है कि 3 साल तो कोरोना खा गया उनका, तो एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन देना आना चाहिए कि 5 साल बाद एक ही बार वैकेंसी ला रहे हैं, जो 26 साल का था वो एक उसका एज खत्म हो गया, 27 साल वाले का एज खत्म हो गया, तो एक लंबे समय के बाद दिक्कत होती है तो ही विद्यार्थी कहते हैं। अब उनके अलावा भी विद्यार्थियों का यह कहना है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, हर एग्जाम का एक कैलेंडर जारी होता तो विद्यार्थी उसी हिसाब से तैयारी करते, सबके घर की फैमिली की स्थिति एक जैसी नहीं होती है कि वो 5 साल बैठ के तैयारी कर सके। एक गरीब घर का बच्चा 5 साल तक किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकता, कोई मजदूरी करने चला गया है, कोई किसी के यहां काम कर रहा है, कोई बिजनेस में लगा है, वो इसी इंतजार में कि अच्छा से हो जाए। यूपी और बिहार की मेंटेलिटी अलग है, यहां पर क्या है कि उतना पैसे के संसाधन नहीं है कि सब लोग बिजनेस कर सके, किसी को बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं आते हैं रेलवे के एग्जाम देने के लिए, 30-40 हज़ार का जॉब रहता है एएलपी वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत किसी अंबानी अडानी लेवल के लोग आएंगे, उतना पैसा रहता है ये भी लोग बिजनेस कर लेते। तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट को इस चीज को समझना चाहिए और इसको रिक्रूटमेंट को तेज थोड़ा सा इसमें सीट बढ़ाना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सीट इसकी बढ़ा दी जाएगी और टेक्नीशियन के भी पोस्ट को दिया जाएगा, ताकि सबको एक तरह की समानता मिल सके। रेलवे को जैसे हमेशा से एक बड़ी रिक्रूटमेंट देते आइए, उस हिसाब से ये भी काम करेगी। और जो विद्यार्थी लोग ये कह रहे थे कि कई विद्यार्थियों का कहना है कि फिजिकल प्रोटेस्ट, देखिए बाबू फिजिकल प्रोटेस्ट कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में आप भीड़ में जाएंगे और आप भीड़ का फायदा कोई दूसरा इंसान उठा लेगा, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी भीड़ का राजनीतिकरण इस्तेमाल हो जाएगा, फिर उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके भीड़ में कोई असामाजिक तत्व तो घुसेगा, वो उपद्रव करेगा, आप लोग इसमें पीस जाएंगे। हम लोग आपका भला ही सोचते हैं, इसीलिए हम आपको समझाते हैं कि कई बार आप लोग को उतना चीज नहीं समझ पाते कि आपके भीड़ का कोई गलत फायदा उठा लिया तो फिर गवर्नमेंट को लगेगा तो उपद्रवी हो गए हैं यहां पे, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और पूरे रेलवे डिपार्टमेंट से भी है कि भैया आपको 20-20 लाख ट्वीट की जाते हैं, करोड़ में ट्वीट जाते हैं, कम से कम ध्यान दिया कीजिए। यहां अगर कोई हीरो ट्वीट कर दे कि उसका कुत्ता खाना नहीं खाया है, किसी को बिल्ली को ठंडा लग गया, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया जाता है। तो न्यूज वाले लोग आपका चौथा स्तंभ है, मानते हैं कि चौथा स्तंभ टूट चुका है, लेकिन कुछ तो ध्यान दीजिए ताकि इन बच्चों का मांग जायज है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे एक प्रेस रिलीज कर दीजिए, और बच्चों से भी कहेंगे कि शांति बना के रखेंगे। अभी आपको डिजिटली माध्यम से सरकार को बताना है, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से पूरा शासन प्रशासन भी 26 जनवरी में ही बिजी था, जिस वजह से हम भी इस चीज को समझते हैं। हालांकि सीटों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ा दी जाएगी और हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग आपको उतना करने के लिए तैयार है। विद्यार्थी लोग हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कह रहे थे सर इतने कम वैकेंसी में हम लोग तो सुसाइड कर लेंगे लोग। तो सोचिए एक छोटे से जॉब के लिए, कोई बहुत बड़ा ये जॉब नहीं, लेकिन आप सोचिए जिसके लिए है उसके लिए वो बड़ा चीज है। जो रेगिस्तान में उससे पूछिए कि एक गिलास पानी का मतलब क्या होता है, जिसके यहाँ पानी अवेलेबल है उसको पानी की कीमत नहीं समझ। सोचिए एक जॉब के लिए हमारे पास बच्चे आए थे कल रात में कह रहे सर हम सुसाइड कर लेंगे, रोने लगे थे सब, हमारे पास में क्या चीज रहता है, हम तो बस पहुंचा ही सकते हैं। पूरा विनती करते हैं हम ताकि सीटों को जितना जल्दी हो सके बढ़ाया जाए और टेक्नीशियन के पोस्ट को दिया जाए और एज रिलैक्सेशन जरूर दिया जाए। हम मानते हैं कि आप लोग आप रेलवे जैसे इतने बड़े वैकेंसी में आप
सरेंडर नहीं दे सकते, क्योंकि रेलवे एक विशाल नेटवर्क है, कहां पे कौन रिटायर होना है, कौन रिजाइन दे दिया, इसका लिस्टे बनाने में साल भर लग जाता है। तो कैलेंडर अगर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट वैकेंसी की संख्या बढ़ा दीजिए और एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, यहां पर यही कहना है। बाकी विद्यार्थी लोग से, हम लोग से जितना हो सकता है हम आपको करेंगे। जो गरीब विद्यार्थी है, कई बच्चे कहना है कि फीस को लेकर, देखिए फीस लेके कहीं पे भी अगर आपको 10,000-20,000 ऐसा कोई मोटे फीस को हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी इतना ज्यादा फीस ना जा सके। मामूली फीस में हम लोग वहां भी आपसे बोलेंगे कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आके कहिएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, हम आपको फ्री में तक पढ़ा देंगे, फी को एकदम मिनिमम करा देंगे, आप जैसे कहिएगा वैसे। लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो वैकेंसी को बढ़ाने के लिए है।